बर्फ की चादर में लिपटी ये पेड़ों की टहनियां है, ठंडी हवाओं ने जिंदगी की दौड़ को कम किया है। कुदरत ने आज बड़े दिनों के बाद धरती पर बर्फ की चादर ओढ़ी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लिए जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के सराज क्षेत्र में, जहाँ पर हाल ही में बर्फबारी हुई है। तो आइए चलते हैं सराज की ओर। दोस्तों, जब बर्फ गिरती है तो वह प्राकृतिक सौंदर्य का एक प्रतीक बन जाती है। उसकी सफ़ेद चादर न सिर्फ दृश्य को सजाती है, बल्कि वह शांति और शुद्धता का अनुभव भी प्रदान करती है। बर्फ की नमी और उसकी ठंडक हर इंसान को आत्मा की शक्ति का अनुभव कराती है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी गाड़ी बर्फ में फंस गई है। सुकरे छोटी गाड़ी है जिसको हमने धक्के से ही निकाल लिया। अगर बड़ी गाड़ी होती तो हम फंस गए होते। दोस्तों, इतनी ज़्यादा ठंड है, खाने पीने का सामान तो वैसे ही बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये स्थान है शिवस्थली चमोली नाला, जो कि कांडा के पास है। और यहाँ बर्फ ने सुंदर चादर ओढ़ रखी है। यहाँ हमें एक भाई साहब मिले जो अपना बर्थडे बना रहे थे और हमें केक शेयर किया।
Yes! दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शिवस्थली चौमनी नाला में हमने बर्फ के साथ खूब मजे किए। अभी हम आ चुके हैं बक्साइड से 3-4 किलोमीटर आगे, जो कि थुनाग की ओर ये रोड जाता है। हमारी जर्नी यहीं तक रहेगी। इसके आगे सुनने में आ रहा है कि रोड बंद है और ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये था एक छोटा सा ट्रिप जो हमने अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा किया। आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करके लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।